मंडी जिला के जोगिंदर नगर उपमंडल के तहत बासाही दहार गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मंडी जिला के जोगिंदर नगर उपमंडल के तहत बसाही धार गांव के पास एक कार HP 37C 2517 अनियंत्रित होकर 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में दो युवकों की मौत हो गई है जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि हादसा बीती रात करीब 12 बजे हुआ है। हादसे की जानकारी सुबह घास काटने जा रही स्थानीय महिला को मिली। उसने खाई में गिरी कार को देखा तो गांव के अन्य लोगों को सूचित किया। गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद सड़क तक पहुंचाया। इतने में जोगिंदर नगर थाना की टीम और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर पहुंचाया गया। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय सन्नी पुत्र मदन लाल और 28 वर्षीय रोहित पुत्र छिंडा राम के रूप में हुई है। ये दोनों गांव चाहड़ी हटवास तहसील नगरोटा बागवा जिला कांगड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं जबकि घायलों में 29 वर्षीय विशाल कुमार पुत्र सुभाष चंद निवासी हटवास तहसील नगरोटा बागवा और 30 वर्षीय कालूराम पुत्र संसार चंद निवासी ऊपरली मरहोदली पठियार तहसील नगरोटा बागवा जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। घायलों का सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर में उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी सरका घाट से जोगिंदर नगर आ रहे थे। ASP मंडी पुनीत रघु ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों को उपचार दिया जा रहा है जबकि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। एक सूचना आज सुबह पुलिस स्टेशन जोगिंदर नगर में मिली थी कि एक जगह बसीधार जो पुलिस पोस्ट बस्सी के तहत पड़ती है वहाँ पे एक कार ऑल्टो जिसका नंबर HP 37C 2517 है वो दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में पाई गई थी। जिस सूचना मिलने पर पुलिस स्टेशन जोगिंदर नगर से और PP से लोग मौके पर रवाना किए गए थे पुलिस पार्टी को। पुलिस पार्टी जब मौके पर पहुंची तो दो लोग वहां पर मृत पाए गए। उनमें से एक का नाम सनी सन ऑफ मदन उम्र 28 वर्ष जो कि नगरोटा बागवा के रहने वाले हैं। रोहित सन ऑफ चिंदा राम इनकी उम्र भी 28 साल है और ये भी नगरोटा बागवा के रहने वाले हैं। ये दोनों ही व्यक्ति मृत अवस्था में वहाँ थे। इनके अलावा दो घायल व्यक्ति भी वहाँ थे जिनको पुलिस पार्टी ने पहुंचकर अस्पताल भेजा और उनका वहाँ पर अभी इलाज चल रहा है। जिनके नाम विशाल कुमार उम्र 29 कालू राम उम्र 30 साल ये दोनों भी नगरोटा बागवा के रहने वाले हैं। इनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है और पुलिस द्वारा जो है आगामी कार्रवाई इसमें की जा रही है और दुर्घटना के कारणों की जांच जो है वो की जा रही है। अभी प्रारंभिक जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक ये दुर्घटना जो है शायद देर रात हुई है या बहुत अर्ली मॉर्निंग हुई है क्योंकि इसके बारे में किसी के ने कोई सूचना नहीं मिल पाई थी। एक महिला ही जो वहाँ गाँव की थी उनको वो जब इलाका में गई तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया है। संभव है कि यदि पुलिस को ये जानकारी थोड़ा जल्दी मिलती तो शायद समय रहते बचाव कार्य में और तेज़ी लाई जा सकती थी और किसी व्यक्तियों को बचाया जा सकता था, परंतु अभी ये सब प्रारंभिक जानकारी है और इसमें आगामी जांच अभी चल रही है। बस दो अलग छोटे से ब्रेक का आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।